भाई लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो भाई आज का वीडियो फिर रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो चैनल पे भाई जो जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार भाई वीडियो को। वैसे भी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का टॉपिक बड़ा अच्छा ही होता है, हमेशा ही अच्छा होता है, तो आज भी अच्छा ही है। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कि भैया फैट लॉस हो चाहे वेट लॉस हो, बात तो एक ही है, उसे करने में क्या क्या दिक्कतें तो हम आती है और क्या क्या मिस्टेक करते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम तो हम लोग ये सोचने में लगते हैं कि हमको क्या डाइट लेना है, क्या रेस्ट लेना है, बस इसी के बारे में सोचते हैं। बाकी हम वर्कआउट के बारे में नहीं सोचते यार, क्योंकि बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि वर्कआउट तो है भाई 10% या 20%, बाकी 80% जो है आपका आपका डाइट है। तो ऐसा तो नहीं है मेरे भाई लोग। तो हम चलो सबसे पहले हम अपना टॉपिक अपने मतलब हम अपना नज़रिया रखते हैं आप लोगों के सामने कि भाई किस तरीके से वेट लॉस में मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को वेट लॉस कर पाता हूँ। देखो ये डाइट तो एक अपनी तरफ एक बात अलग होती है, दूसरी बात ये है कि हमें वर्कआउट का जो पहला जो मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि वर्कआउट के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि डाइट के बारे में सोच लिया तो वर्कआउट के बारे में कहाँ सोचेंगे। आधा घंटा वर्कआउट करना है या 45 मिनट करना है वो तो लिखा हुआ है ना कि 45 मिनट करना है, तो उससे ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जब वर्कआउट करना रहता है ना तो जब हमें वेट लॉस करना है तो हमें वर्कआउट बढ़ा देना चाहिए। हम 45 मिनट करते हैं तो हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा करना चाहिए, मतलब 15 से 20 मिनट तो हमें उसके अंदर समय बढ़ाना ही चाहिए। दूसरा मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि भाई अगर हम मॉर्निंग में नहीं आ रहे हैं तो हमें इवनिंग में आ जाएं, है ना। कैसे भी करके हमें किसी तरीके से भी जिम को मिस नहीं करना है। रेस्ट वाली बात एक अलग हो जाती है कि हाँ भाई हमको रेस्ट लेना है, वो बात अलग है, लेकिन ये है कि हमें जो वर्कआउट का समय तो बढ़ाना है, साथ साथ अगर हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम अगर वर्कआउट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वेट लॉस में काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों आप देखोगे कि बॉडी बिल्डर जो भी अपने कॉम्पिटिशन रहता है उसके टाइम पे दो दो टाइम पे वर्कआउट करते हैं। खैर हम बॉडी बिल्डर तो है नहीं, हमें तो वेट लॉस करना है, तो ये भी आप कर सकते हो कि दो टाइम वर्कआउट करो इसको कुछ टाइम महीनों 1-2 महीने के लिए कर सकते हो जब तक वेट कम नहीं होता अपना। और तीसरा वर्क भाई है जो सब लोग बोलते हैं कि शुगर कम करो शुगर कम करो, तो भाई हम कहाँ शुगर कम कर सकते हैं भाई, अब इतने सालों से हम शुगर खा रहे हैं चाय पी रहे हैं तो कैसे कम कर देंगे एकदम से। तो हम गलती यही कर देंगे एकदम से हम लोग शुगर बंद कर देते हैं और फिर हमको बाद में क्रेविंग्स वगैरह होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। कम कर दो, दो अगर चाय पी रहे हो या तीन पी रहे हो तो एक कर दो यार, है ना, पीना ही है चाय, तो ग्रीन टी पी लो, अगर ग्रीन टी नहीं पीना तो एक कप तो पी लो आप, वो चलेगा। और चौथा आपको मिस्टेक ये करते हो कि आप डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हो और कार्ब्स कम लेने की कोशिश करते हो, है ना। तो कार्ब्स तो खैर कैसे भी कम लेना चाहिए, तो लेकिन सब धीरे धीरे कम करना चाहिए, एकदम से नहीं होता है ना। पहले थोड़ा कम करो फिर थोड़ा कम करो फिर थोड़ा कम करो, हम एकदम से कोशिश करते हैं कि पूरा कम कर ले तो वो भी हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ऐसा है कि भाई आपने ये देखा होगा कि पक्षी जो रहता है दाना खाता है, जितनी उसकी भूख रहती है वो पेट भर लेता है उससे, और बचा हुआ वो देखता भी नहीं है और उड़ जाता है। आदमी का ऐसा है भाई कि जब तक थाली में रखा पूरा खाना खत्म नहीं करे ना तब तक वो उठता नहीं है, है ना। तो भाई जब पेट भर जाए थाली में बचा भी है तो उसको छोड़ के उठ जाओ, लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये भाई 4-5 टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे, और मैं अपने क्लाइंट्स साथ भी यही सब चीज़ें बताता हूँ उनको, ठीक है ना। और बाकी डाइट तो आप लोगों को सब यूट्यूबर लोग तो बता ही देते हैं, तो थोड़ा वर्कआउट भी बता दे तो ज़्यादा अच्छा है यार, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है। बाकी तो हमको सब मालूम रहता है कि शुगर कम कर दो, हेल्दी फैट खा लो और ऑयल कम कर लो, कैलोरी कम करना है अपने मेंटेनेंस कैलोरी, ये सब चीज़ें मालूम रहती है, तो वो चीज़ बताया जो नहीं मालूम है। तो मैंने सोचा है कि शायद आप लोग साथ में ये शेयर करना चाहिए। तो भाई ये छोटा सा टॉपिक आप लोग के लिए था, टॉपिक या वीडियो था। तो भाई अगर किसी को पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक करो, और जिसको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकता है ना। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।